पुलिस का फोन आ गया। हेलो, कैसी हैं आप? एक माँ जिससे उसका बेटा अचानक छीन लिया जाए, वो माँ कैसी हो सकती है? जिंदा हूँ। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो कुछ भी महक ने किया वो ठीक नहीं था। नहीं, महक का कोई कसूर नहीं है, उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारने का। मैं तो बस वरीशा के लिए तड़पती हूँ। उसकी एक झलक नजर आ जाए, उसकी आवाज सुनने को मिल जाए तो मेरी तड़पती भी मामदा को कुछ करार आ जाएगा। अरे तो आपने तो बड़े वक्त से फोन किया है, वरीशा तो मेरे पास ही है। असल में महक को कुछ काम था तो इसे मेरे पास ही छोड़ के चली गई। ये लीजिए, आप बात कीजिए, दादू का फोन है। हेलो वरीशा, मेरी बच्ची कैसी हो? दादू की याद नहीं आई तुम्हें? याद आती है, मगर मामा कह रही थी अब आप मेरी दादू नहीं है और आप लोग बहुत ही बुरा। अरे वरीशा, ये कैसे बात कर रही हो? तमीज से बात करो, दादू है तुम्हारी। और मामा ये भी कह रही थी बड़े बाबा की वजह से मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है और अब मेरे न्यू बाबा ही मेरे बाबा हैं। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मामा ने सही नहीं कहा है, मैं दादू हूँ तुम्हारी। वरीशा किससे बात कर रही हो? मामा दादू का फोन था, कह रही थी मेरे पास आ जाओ। आप झूठ कहती हैं ना। शर्म आनी चाहिए आपको, एक बच्ची के दिल में माँ के खिलाफ जहर घोल रही है। महक, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा तो वरीशा झूठ बोल रही है, बच्ची को कह रही है कि माँ झूठ बोल रही है और माँ को कह रही है कि बेटी झूठ बोल रही है। वैसे ना जवाब नहीं है आपका, आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं वो घर छोड़कर यहाँ आ गई और मुझे लगता है यहाँ भी आप लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। महक, हेलो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था महक, जो इतनी बदतमीजी तुमने की अपनी सास से, कुछ तो खुदा का खौफ रखो। नहीं, सारा खौफ आप ही को है, आपको तो ना मैं बाद में देखती हूँ, अभी मेरे पास ना आपके लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है। चलो वरीशा,